वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सत संगत तुसी देख रहे हो दा पंजाब लाइव। अज आपां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ते सांझ पाउणी है। अज दी कथा विचार दा सरलेख है कि रसोई दे विच्चों केड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां आपां कदे भी खत्म नहीं होण देणियां। रसोई साडे घर दा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। रसोई एक ऐसी थां है जिथों पकवान बन के आउंदे ने, असी खांदे हाँ, सानू ऊर्जा मिलदी है, असी चलन फिरन जोगे हो जाने हाँ। सो रसोई दा बहुत वड्डा महत्व है साडे जीवन विच, साडे कम्मां काजां दे विच। सो रसोई दे नाल संबंधित कुछ निजम ने जिहड़े सियाणे लोक दसदे ने। बहुत सारे लोग इस नाम ते वहम भरम भी फैलाउंदे ने कि रसोई दे विच आ होवे आ होवे। असी तुहानू सादी ते सरल भाषा दे विच दसण लगे हाँ कि सब तो पहली चीज़ रसोई दे विच कदे भी गरीब दे लई, लोड़वंद दे लई, जरूरतमंद दे लई, राशन दी, अन्न पानी दी कदे भी कमी नहीं होनी चाहीदी। जदों भी जरूरतमंद तुहाडे दरवाजे ते आ गया, तुहाडे दर ते आ गया, तुहानू आ के कहिंदा कि मैनू भुख लगी है, भावें तुहाडे अपने हिस्से दी रोटी विच्चों तुहानू देनी पवे, उहदे नाल सांझी जरूर करो। सियाणे लोक महापुरश तां इह वी कहिंदे ने कि जे तुहाडे खाण वाले डब्बे दे विच सिर्फ दो बुरकियां वी पईआं ने, जिहड़ा मंगण आया एक बुरकी उसनू दे दिओ, एक आप खा लो। जे एक पई है तां उसनू दे दिओ ते परमात्मा दा शुकर करो कि परमात्मा मेरा अज दा दिन तू सफला कर दिता है, कोई मेथों मदद मंगण आया सी, मैं कासे जोगा नहीं, मैं तेरा आसरे नाल मैं तुरिया फिरदा हाँ परमात्मा, मैं सिर्फ जरिया बनिया है तेरा दिता, मैं पदार्थ अगे दे दिता। कहिंदे ने कि इस तरह करन दे नाल परमात्मा खुश हुंदा है। सो हमेशा जदों भी कोई मंगता, कोई जरूरतमंद, कोई लोड़वंद साडे घरे खाणा खाण आवे, साडे घरे प्रशादा खाण आवे, तां उसनू हमेशा राजी करके तोरना चाहीदा है। दूजा कहिंदे ने कि रसोई दे विच्चों चाहे थोड़े तो थोड़ा दुध रखो, पर अपनी लोड़ तो वध थोड़ा जिहा दुध जरूर रखो। कोई पता नहीं कदों किसी लोड़वंद ने आवाज़ मार लेनी है, खास करके दुध की लोड़ उन्हां नूं पैंदी है जिन्हां दे कोल छोटे बच्चे ने। सो छोटे बच्चों तुहानूं पता है रब का रूप गिणिया जाता है। ये एक किस्म का सर्व उच्च दान मनिया जाता है जदों असीं किसी छोटे बच्चे का भुख दे विच सहारा बनते हाँ। सहारा तो परमात्मा है, आपां एक जरिया ही बनते हाँ। सो हमेशा इस आस नाल कि कदे भी साडे घरे कोई आ सकता है दुध लैण, नहीं तो दुध तो हमेशा वरत्या ही जाता है। हमेशा थोड़ा जिहा अपनी वरतों तो उत्ते रखो। जदों कोई बच्चे दे लई खास तौर ते लैण आवे तां उसनूं कदे खाली हथ ना मोड़ो। तीजा है कहिंदे हर लोड़वंद जरूरतमंद जां फिर कोई भी साडे घरे आउंदा है, चाहे उह साडे नाल वैर दी भावना रखदा होवे, ईरखा भी साडे नाल करदा होवे, तां वी उसनूं पाणी जरूर पुछो ते उसनूं पाणी पिआओ वी जरूर। परमात्मा की बहुत वड्डी दात है पानी। इस धरती के उत्ते बहुत वड्डा हिस्सा पानी का है। पानी बिल्कुल आम चीज़ है। जे तुसी किसी नूं दे दिंदे हो, उसकी सेवा दे विच हाजिर कर दिंदे हो, वह तुहाडे प्रति बहुत वधिया विचार रखता है। पानी दित्तियां जां मिठा बोलियां किसी का कुछ नहीं कटदा। इस करके सानू अपनी रसोई दे विच्चों हमेशा हरे हर एक इंसान दे लई पानी रखना चाहिए, भावें उह साडे नाल वैर दी द्वेष दी भावना भी रखता हो।